वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम यूनिट ऑपरेशन के थर्ड पार्ट दैट इज मिक्सिंग को डिटेल में देखने वाले। इस वीडियो के पहले हमने साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन को डिटेल में देखा था, और अगर अभी तक आपने साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन की वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड फ्री में PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ मिक्सिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग, डबल कोन ब्लेंडर, टर्बाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वरसन मिक्सर, होमोजेनाइजेशन को डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मिक्सिंग क्या होता है। सो व्हाट इज मिक्सिंग, आखिर मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? अगर आसान भाषा में समझे तो मिक्सिंग का मतलब होता है कि किसी दो या दो से ज्यादा मटेरियल को एक साथ मिक्स कर देना, एक साथ मिला देना। हम सब ने मिक्सिंग का जो प्रोसेस है अपने डेली लाइफ में देखा होगा, हम सब ने अपने डेली लाइफ में इसे किया भी होगा। जैसा कि अगर आपने कभी घर में नींबू शरबत बनाया होगा तो जो नींबू शरबत होता है ये मिक्सिंग प्रोसेस के जरिए ही बनता है। या फिर आपने कभी खाना बनाते टाइम मसाला अपने खाने में मिलाया होगा तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मसाले होते हैं ये भी मिक्सिंग प्रोसेस के जरिए ही बनते हैं। सो हम एक परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं फार्मेसी के हिसाब से कि फार्मा के हिसाब से मिक्सिंग का मतलब क्या होता है। मिक्सिंग इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर इन्ग्रीडियंट आर ट्रीटेड सो दैट एवरी पार्टिकल ऑफ वन इन्ग्रीडियंट लाइज एज नियर एज पॉसिबल ऑफ द पार्टिकल ऑफ अनदर इन्ग्रीडियंट। सो मिक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा इन्ग्रीडियंट को ऐसे तरीके से ट्रीट करते हैं कि एक इन्ग्रीडियंट के सभी पार्टिकल दूसरे इन्ग्रीडियंट के सभी पार्टिकल के एकदम ज़्यादा नज़दीक या एकदम ज़्यादा करीब आ जाए। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस सिंगल फिजिकल मिक्सचर, मिक्सिंग के वजह से हम एक सिंगल फिजिकल मिक्सचर को अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास चार से पांच इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है तो मैं इन चार से पांच इंग्रेडिएंट को मिक्सिंग प्रोसेस के जरिए एक फिजिकल मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। टू प्रमोट केमिकल रिएक्शन, मिक्सिंग प्रोसेस से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। जैसा मैं कोई भी केमिकल रिएक्शन को जब अच्छे तरीके से प्रमोट करता हूँ तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो मेडिसिन है उसका प्रिपेरेशन बहुत अच्छे तरीके से एंड बहुत फास्ट होता है। टू एनहांस द अपियरेंस ऑफ डोसेज फॉर्म, सो मिक्सिंग प्रोसेस से हम किसी भी डोसेज फॉर्म का जो अपियरेंस है वो और अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। टू फॉर्म सस्पेंशन, मिक्सिंग प्रोसेस से हम सस्पेंशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सस्पेंशन एक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। टू फॉर्म इमल्शन, सो मिक्सिंग प्रोसेस से हम इमल्शन को भी बना सकते हैं। इमल्शन भी एक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम डबल कोन ब्लेंडर को देख लेते हैं। जैसा कि हमने साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन में भी देखा था कि जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें चार चीज़ पढ़ना होता है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन क्या होता है। सो इस चैप्टर में भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके अंदर भी हमें ये चारों चीज़ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डबल कोन ब्लेंडर के प्रिंसिपल को देख लेते हैं। डबल कोन ब्लेंडर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टम्बलिंग एंड शियर एक्शन। सो डबल कोन ब्लेंडर टम्बलिंग एंड शियर एक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि टम्बलिंग एंड शियर एक्शन का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी मटेरियल एक कंटेनर में प्रेजेंट हो और वो मटेरियल का मूवमेंट बार बार हो रहा हो, बार बार वो मटेरियल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा हो, तो इसी मूवमेंट को, इसी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होने वाले मूवमेंट को हम बोलते हैं टम्बलिंग एक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा शरबत के दुकान पे जब वो दुकान वाला नींबू पानी बनाता है तो वो क्या करता है, एक ग्लास में पहले सब इंग्रेडिएंट ले लेता है, एक ग्लास में वो क्या करता है, पहले नींबू, फिर पानी, जलजीरा, नमक, शक्कर वगैरह सब ले लेता है। देन उस ग्लास के ऊपर वो एक दूसरा ग्लास रखता है और ये दोनों ग्लास को वो पकड़ के जोर जोर से हिलाता है। सो ये जोर जोर से हिलाने के मैकेनिज्म को ही हम बोलते हैं टम्बलिंग एक्शन, और ये टम्बलिंग एक्शन के वजह से जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो हो जाता है। नेक्स्ट शियर एक्शन होता है। सो जब कोई भी मटेरियल शार्प ब्लेड से टकरा जाता है और उसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है, सो इसी को हम बोलते हैं शियर एक्शन, और इस शियर एक्शन के वजह से जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो और अच्छे तरीके से हो जाता है। जैसे कि कोई भी मटेरियल जब साइज उसका रिड्यूस हो जाता है तो वो मिक्सिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा आसान होता है उसे। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल कोन ब्लेंडर को देख लेते हैं। सो डबल कोन ब्लेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्विन शेल ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर को हम ट्विन शेल ब्लेंडर भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कोन शेप्ड वेसल माउंटेड ऑन अ शाफ्ट, इनसाइड द वेसल एजिटेटर ब्लेड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये डबल कोन ब्लेंडर टू कोन शेप्ड वेसल से बना हुआ होता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये डबल कोन ब्लेंडर के अंदर दो कोन शेप्ड वेसल प्रेजेंट है,
एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ, और ये डबल कोन ब्लेंडर एक शाफ्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये डबल कोन ब्लेंडर का जो रोटेशन होता है वो इस शाफ्ट के मदद से होता है। डबल कोन ब्लेंडर के अंदर वाले हिस्से में एजिटेटर ब्लेड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सीयर एक्शन में हेल्प करते हैं। डबल कोन ब्लेंडर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 5 kg टू 200 kg और इवन मोर। पूरा का पूरा डबल कोन ब्लेंडर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है एंड डिफरेंट कैपेसिटीज़ में अवेलेबल है, जैसे कि ये हमें 5 kg टू 200 kg में अवेलेबल मिलता है, और या तो हमें ये 200 kg के ऊपर भी मिल सकता है। ये मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ में अवेलेबल होता है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डबल कोन ब्लेंडर इज़ अबाउट 30 to 100 रोटेशन पर मिनट, और ये जो डबल कोन ब्लेंडर का जो स्पीड है, जो रोटेशन का स्पीड इनका होता है, वो 30 to 100 रोटेशन पर मिनट होता है। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर को देख लेते हैं। द सॉलिड टू बी मिक्स्ड इज टेकन इन द कोनिकल शेप्ड वेसल। ड्यू टू रोटेशन द पाउडर स्टार्ट्स टू मिक्स। एज द वेसल रोटेट्स द मटेरियल अंडरगो टम्बलिंग मोशन। एन एजिटेटर ब्लेड प्रोवाइड सीयरिंग एक्शन टू द मटेरियल एंड मिक्सिंग टेक प्लेस थॉरली। सो जो भी सॉलिड मटेरियल को हमें मिक्स करवाना होता है उसे हम ये कोनिकल वेसल में डाल देते हैं, और जैसे ही ये वेसल रोटेट होने लगता है वैसे ही टम्बलिंग एक्शन एंड शियरिंग एक्शन की वजह से मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में हमें पूरे के पूरे मटेरियल का मिक्सिंग करके पूरा का पूरा मिल जाता है। जैसे कि आप ये एनिमेशन में देख सकते हैं, ये एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये जो डबल कोन ब्लेंडर है ये अंदर से कैसे काम करता है। देन आपको दूसरे एनिमेशन में दिख रहा होगा कि डबल कोन ब्लेंडर बाहर से कैसा दिखता है। तो ये ऐसा दिखता है बाहर से, ये इस तरीके से रोटेट होता है। सो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ डबल कोन ब्लेंडर को देख लेते हैं। सो डबल कोन ब्लेंडर इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग द पाउडर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। डबल कोन ब्लेंडर का यूज हम डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ ग्रैन्यूल्स। डबल कोन ब्लेंडर को हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रैन्यूल्स को मिक्स करने के लिए भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई पाउडर टू वेट मिक्सिंग। किसी भी ड्राई पाउडर को अगर हमें गीला बनाना हो, उसे वाटर डाल के एकदम गीला पाउडर बनाना हो, तो उसके लिए भी हम डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ केमिकल विच आर यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। सो डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ केमिकल के मिक्सिंग के लिए भी होता है जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में काम आता है। नेक्स्ट हम टर्बाइन मिक्सर को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टर्बाइन मिक्सर क्या होता है वो देख लेते हैं हम। सो टर्बाइन मिक्सर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शियर एक्शन। टर्बाइन मिक्सर भी शियर एक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्बाइन मिक्सर को देख लेते हैं। टर्बाइन मिक्सर कंसिस्ट ऑफ अ वेसल एंड सर्कुलर डिस्क टू विच अ नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड्स आर अटैच्ड। द ब्लेड मे बी स्ट्रेट, कर्व्ड, पीस्ड और वर्टिकल इन शेप। सो टर्बाइन मिक्सर के अंदर एक वेसल होता है एंड एक सर्कुलर डिस्क भी प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लेड्स भी अटैच रहते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से सर्कुलर डिस्क प्रेजेंट रहता है, और ये जो ब्लेड्स है ये अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल होता है। जैसा कि ये स्ट्रेट शेप में होता है, पिच शेप में होता है, कर्व शेप में भी अवेलेबल होता है एंड वर्टिकल शेप में भी अवेलेबल होता है। अगर आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो जो टर्बाइन मिक्सर होता है ये टर्बाइन का ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे कि हम टर्बाइन को अगर ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू ऐसे दिखता है, और जो साइड व्यू है अगर हम टर्बाइन को साइड से देखेंगे तो ये जो टर्बाइन है साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है। द डायमीटर ऑफ टर्बाइन रेंजेस फ्रॉम 30 to 50% ऑफ द वेसल डायमीटर। टर्बाइन का जो डायमीटर होता है ये करीबन 30 to 50% होता है वेसल के डायमीटर के हिसाब से। अगर वेसल का डायमीटर 100 सेंटीमीटर है तो टर्बाइन का डायमीटर तकरीबन 30 to 50 centimeter होगा। इट यूजुअली रोटेट्स एट लोअर स्पीड एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन इज अबाउट 50 to 200 रोटेशन पर मिनट। टर्बाइन का जो स्पीड होता है वो बहुत ही लो होता है। ये टर्बाइन तकरीबन 50 to 200 रोटेशन पर मिनट के स्पीड से रोटेट करता है। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ टर्बाइन मिक्सर को देख लेते हैं। द लिक्विड टू बी मिक्स्ड इज प्लेस्ड इनटू द वेसल। टर्बाइन इज ऑल्सो प्लेस्ड इनटू द वेसल। स्टार्ट द इलेक्ट्रिक स्विच सो दैट द टर्बाइन स्टार्ट्स टू रोटेट। मिक्सिंग अकर ड्यू टू रोटेशन ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मिक्सिंग स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच एंड रिमूव द टर्बाइन फ्रॉम द वेसल।
सो जो भी लिक्विड का हमें मिक्सिंग करवाना होता है उसे हम एक वेसल में डाल देते हैं और उसी वेसल के अंदर हम टर्बाइन को भी डाल देते हैं। ये टर्बाइन रोटेट होना चालू होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इस टर्बाइन का रोटेशन के साथ ही साथ, मतलब जैसे ही टर्बाइन का रोटेशन चालू हो जाता है वैसे वैसे लिक्विड के अंदर जो मिक्सिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाता है। जब हमें डिजायरेबल मिक्सचर मिल जाता है एक पर्टिकुलर लिक्विड का तो हम क्या करते हैं, टर्बाइन को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि टर्बाइन के रोटेशन को हम स्टॉप कर देंगे एंड उस टर्बाइन को उस वेसल में से बाहर निकाल लेते हैं एंड हमें जो लिक्विड, जो डिजायरेबल लिक्विड चाहिए था वो हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ टर्बाइन मिक्सर को देख लेते हैं। टर्बाइन मिक्सर इज यूज फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ इमल्शन। सो टर्बाइन मिक्सर का यूज हम इमल्शन के प्रिपेरेशन के लिए करते हैं। टर्बाइन मिक्सर इज ऑल्सो यूज इन प्रिपेरेशन ऑफ सस्पेंशन। ये टर्बाइन मिक्सर सस्पेंशन के प्रिपेरेशन में भी काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपेरेशन ऑफ सिरप्स। टर्बाइन मिक्सर का यूज हम सिरप्स के प्रिपेरेशन के लिए भी करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मिक्स हाई डेंसिटी लिक्विड्स एंड सेमी सॉलिड। सो टर्बाइन मिक्सर का यूज हम ऐसे लिक्विड को भी मिक्स करने के लिए यूज करते हैं जिनका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो, और सेमी सॉलिड्स को भी मिक्स करने के लिए हम टर्बाइन मिक्सर का यूज करते हैं। तो आप ये एनिमेशन में देख पा रहे होंगे कि कैसे टर्बाइन मिक्सर रोटेट करता है। कुछ इस तरीके से जो टर्बाइन मिक्सर होता है वो इस तरीके से रोटेट करता है। सो नेक्स्ट हम ट्रिपल रोलर मिल को देख लेते हैं। ट्रिपल रोलर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन एंड शियर एक्शन। सो ट्रिपल रोलर मिल कंप्रेशन एंड शियर एक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिपल रोलर मिल को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर्स विच आर मेड अप ऑफ हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंस मटेरियल। द रोलर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे कैन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। ट्रिपल रोलर मिल के अंदर 3 सर्कुलर रोलर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये तीनों के तीन रोलर बहुत ही हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बने हुए होते हैं, और ये तीनों के तीनों रोलर इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं कि ये एक दूसरे के क्लोज भी आ सकते हैं एंड एक दूसरे से थोड़ा सा दूर भी जा सकते हैं। दिस रोलर रोटेट्स एट डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड। तीनों के तीनों रोलर का जो स्पीड होता है, जो रोटेटिंग स्पीड होता है, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। हॉपर इज अटैच्ड बिटवीन रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2 एंड द स्क्रैपर इज अटैच्ड एट रोलर नंबर 3। सो रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2 के ऊपर हॉपर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप ये पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हॉपर है ये हॉपर रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2 के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये हॉपर का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि अगर मुझे जो भी मटेरियल का मिक्सिंग करवाना होता है उस मटेरियल को हम हॉपर के जरिए ही ट्रिपल रोलर मिल के अंडर डाल देते हैं। और जो रोलर नंबर 3 होता है, रोलर नंबर 3 के यहाँ पे स्क्रैपर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्क्रैपर प्रेजेंट होता है। ये स्क्रैपर का भी बस एक ही फंक्शन होता है कि जब जो भी मटेरियल का मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाता है ट्रिपल रोलर मिल में, सो वो पर्टिकुलर मिक्सर इस स्क्रैपर के जरिए ट्रिपल रोलर मिल से बाहर निकल जाता है। द गैप बिटवीन रोलर नंबर 2 एंड रोलर नंबर 3 इज यूजुअली लेस देन द गैप बिटवीन रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2। सो जो गैप होता है रोलर नंबर 2 एंड रोलर नंबर 3 के बीच का, वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द गैप जो हमें रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2 के बीच में दिखता है। यानी कि जो हमें गैप रोलर नंबर 1 एंड 2 के बीच में दिखेगा वो गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जो गैप हमें रोलर नंबर 2 और 3 के बीच में दिखता है वो गैप थोड़ा सा कम होता है। सो नेक्स्ट हम वर्किंग को देख लेते हैं। द मटेरियल टू बी मिक्स्ड आर पुट इनटू द हॉपर। फ्रॉम द हॉपर द मटेरियल कम्स बिटवीन रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2। द साइज ऑफ मटेरियल इज रिड्यूस इन दिस प्रोसेस एंड मिक्सिंग ऑल्सो टेक प्लेस। आफ्टर दिस द मटेरियल कम्स बिटवीन रोलर नंबर 2 एंड रोलर नंबर 3। इन दिस स्टेप द मटेरियल बिकम मोर मिक्सड एंड बिकम मोर स्मूथर। आफ्टर मिक्सिंग द मटेरियल इज रिमूव विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर विच इज प्रेजेंट एट द रोलर नंबर 3। सो जो भी मटेरियल का हमें मिक्सिंग करवाना होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम हॉपर के जरिए ट्रिपल रोलर मिल में डाल देते हैं, और ये मटेरियल हॉपर के जरिए रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2 के बीच में आ जाता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो मटेरियल हॉपर में हमने डाल दिया
वो मटेरियल रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2 के बीच में आ गया है। सो रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2 ये दोनों अपने अपने स्पीड पर रोटेट होने लगते हैं, और जैसे ही ये दोनों रोलर अपने अपने स्पीड पर रोटेट होना चालू कर देते हैं, वैसे ही वैसे इनके बीच का जो मटेरियल होता है उनका मिक्सिंग स्टार्ट हो जाता है, और मिक्सिंग प्रोसेस के साथ साइज रिड्यूस होना भी चालू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद ये मटेरियल जो कि रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2 के बीच में प्रेजेंट है, ये मटेरियल यहाँ से रोटेशन की वजह से रोलर नंबर 3 के वहाँ पे चले जाता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो मटेरियल पहले रोलर नंबर 1 एंड रोलर नंबर 2 के बीच में था, अब वो मटेरियल रोलर नंबर 2 एंड रोलर नंबर 3 के यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये मटेरियल का और ज़्यादा मिक्सिंग होता है, और ये मटेरियल यहाँ वाले रोलर के बीच में और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और ये मटेरियल जब अच्छे तरीके से मिक्सिंग इसका हो जाता है, अच्छे तरीके से हमें ये मटेरियल का जो मिक्सिंग प्रोसेस एकदम डिज़ायरेबल फॉर्म में मिल जाता है, तब हम क्या करते हैं, ये जो मटेरियल होता है ये खुद ब खुद रोटेशन प्रोसेस के ज़रिए स्क्रैपर के वजह से ट्रिपल रोलर मिल से बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पहले मटेरियल रोलर नंबर 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो मटेरियल है ये रोलर नंबर 1 एंड 2 के बीच में से रोलर नंबर 3 के यहाँ पे पहुँच जाता है। फिर कुछ टाइम में क्या होगा, जब अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाएगा तो ये मटेरियल जो रोलर नंबर 3 में था, ये मटेरियल स्क्रैपर के थ्रू ट्रिपल रोलर मिल से बाहर निकल जाता है। सो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देख लेते हैं ट्रिपल रोलर मिल का। सो ट्रिपल रोलर मिल इज़ यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन दी ऑइंटमेंट बेड्स। सो ट्रिपल रोलर मिल का यूज़ हम पाउडर को ऑइंटमेंट बेस में मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन दी प्रोसेस ऑफ ऑइंटमेंट, क्रीम एंड पेस्ट मेकिंग। सो ट्रिपल रोलर मिल का यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स, हर्बल्स एंड केमिकल्स। सो ट्रिपल रोलर मिल का यूज़ हम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल मटेरियल के मिक्सिंग के लिए, हर्बल मेडिसिन के मिक्सिंग के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट केमिकल के मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। सो नेक्स्ट हम सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर को देख लेते हैं। सो सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इमल्शन का मतलब क्या होता है एंड होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो इमल्शन एक बायफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है जो कि वाटर एंड ऑयल के हेल्प से बनता है। लेकिन आपने कभी भी देखा होगा कि वाटर एंड ऑयल एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। जब भी हम इन दोनों को मिक्स करने का कोशिश करेंगे तो होता क्या है, जो ऑयल होता है वो एकदम ऊपर के लेयर पर ही होता है, वो ऑयल अच्छे तरीके से पानी में मिल नहीं पाता है। लेकिन जब हम ऑयल वाटर के अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करते हैं तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट के यूज़ करने के बाद हमें इमल्शन का प्रोडक्शन वहाँ पर देखने मिलता है। और जब हमें कोई भी इमल्शन बनते हुए दिखता है, जब वो इमल्शन अच्छे तरीके से बन जाता है तो होता क्या है, उस इमल्शन में बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं, बड़े बड़े ऑयल ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं। तो ये बड़े बड़े ऑयल ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, ये इमल्शन का जो अपीयरेंस होता है एंड इनका जो स्टेबिलिटी होता है उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सो इस बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। सो होप आपको समझ गया होगा कि इमल्शन का मतलब क्या होता है एंड होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो ये जो सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर है, ये लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करने के लिए ही काम आता है। यानी कि सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर का जो यूज़ है ज़्यादा करके इमल्शन के अंदर ही होता है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर को देख लेते हैं। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शियरिंग एक्शन। सो सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर शियरिंग एक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ये शियरिंग एक्शन सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर के अंदर हाई स्पीड से रोटेट होने वाले ब्लेड के वजह से होता है। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इमल्सिफाइंग हेड टू विच नंबर ऑफ ब्लेड्स आर अटैच। सो सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर के अंदर इमल्सिफाइंग हेड प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। इस इमल्सिफाइंग हेड के अंदर वाले हिस्से में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लेड्स भी अटैच रहते हैं। आपको ये सेकंड वाले डायग्राम में दिख रहा होगा कि कैसे अंदर के हिस्से में छोटे छोटे ब्लेड्स प्रेजेंट है। इट इज़ सराउंडेड बाय फाइन मैश विच इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। और ये इमल्सिफाइंग हेड के बाहर वाले हिस्से में छोटे छोटे फाइन मैश यानी कि छोटे छोटे फाइन होल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं छोटे छोटे होल्स, या ये इनको हम मैश भी बोल सकते हैं। और ये मैश
पूरे के पूरे इमल्सिफाइंग हेड के बाहर प्रेजेंट होते हैं। द हेड इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मोटर प्रेजेंट एट द टॉप विच रोटेट द ब्लेड एट वेरी हाई स्पीड। और ये इमल्सिफाइंग हेड रोटेट होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। सो ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इमल्सिफाइंग हेड के अंदर जो छोटे छोटे ब्लेड्स हमने देखे जो प्रेजेंट होते हैं उनको ये रोटेट करने में मदद करता है। और इसी सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर के आजू बाजू में जो आपको रॉड दिख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये रॉड को हम लोग बोलते हैं स्टैंड। ये सिर्फ ना पूरे के पूरे सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर को एक जगह पे खड़े होने में मदद करता है। या फिर अगर हमें सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो हम इस स्टैंड को पकड़ के ही इसे कहीं भी यहाँ वहाँ लेके जा सकते हैं। और इस सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर में जो आपको एकदम बीच वाला रॉड दिख रहा है, इस बीच वाले रॉड को हम बोलते हैं शाफ्ट। और इस शाफ्ट के मदद से ही हमें क्या देखने मिलता है, जो ब्लेड्स है वो भी और अच्छे तरीके से रोटेट होते हैं। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर को देख लेते हैं। द इमल्सिफाइंग हेड इज प्लेस्ड इन द वेसल कंटेनिंग लिक्विड। द मोटर स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द लिक्विड टू बी मिक्स्ड इज सक्ड थ्रू द फाइन मेश एंड ऑयल इज रिड्यूस्ड इन द फाइन ग्लोबुल्स इन द प्रोसेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ ब्लेड्स। फाइन इमल्शन इज प्रोड्यूस्ड विच इज देन एक्सपेल्ड आउट। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर एंड रिमूव द इक्विपमेंट आफ्टर होमोजेनाइजेशन। सो ये इमल्सिफाइंग हेड को हम एक वेसल में डाल देते हैं और उस वेसल में पहले से ही इमल्शन भी प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट होता है वैसे ही हमें क्या देखने मिलता है, जो ब्लेड प्रेजेंट है इमल्सिफाइंग हेड के अंदर वो ब्लेड बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पर रोटेट होने लगता है। अब ये जैसे ही रोटेट होता है वैसे ही इमल्शन के अंदर जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है, जो लार्ज ऑयल के ग्लोब्यूल्स है, वो क्या होते हैं, इमल्सिफाइंग हेड के अंदर जाना चालू कर देते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो येल्लो कलर के और जो ब्लू कलर के बड़े बड़े सर्कल्स हैं, ये है लार्ज ग्लोब्यूल्स। ये लार्ज ग्लोब्यूल्स क्या हो रहा है, इमल्सिफाइंग हेड के अंदर जा रहा है। अब ये अंदर जैसे ही जाता है तो अंदर जो ब्लेड्स हाई स्पीड पर रोटेट हो रहा है वो ब्लेड क्या करता है, इस ग्लोब्यूल्स को, इस लार्ज ग्लोब्यूल्स को एकदम फाइन ग्लोब्यूल्स में, एकदम छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लोब्यूल्स जैसे ही एकदम फाइन, एकदम छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये जो ग्लोब्यूल्स है, ये जो बाहर वाला ओपनिंग प्रेजेंट होता है इमल्सिफाइंग हेड के, वहाँ से ये ग्लोब्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और पूरी तरह से होमोजेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो जाता है। जब पूरी तरह से प्रोसेस हो जाएगा होमोजेनाइजेशन का, यानी कि जब पूरी तरह से लार्ज ग्लोब्यूल्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को स्टॉप कर देते हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर जैसे ही स्टॉप होता है वैसे ही हम सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर को इस वेसल में से बाहर निकाल लेते हैं और हमें जो भी मिक्सर मिलना रहता है वो अच्छे तरीके से मिल जाता है। सो इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर को देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ परफेक्ट इमल्शन। सो सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर का बस एक ही यूज़ होता है, ये क्या करता है, कोई भी इमल्शन को एकदम परफेक्ट बनाने में हेल्प करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना डाउट। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको डाउनलोड करने मिल जाएंगे, लिंक आपको डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फ्री में PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वो PDF नोट डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है या PDF नोट्स नहीं ओपन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।